हेलो गाइस, आज हम लोग अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवर वर्ल्ड में बनाने वाले फुल्ली ऑटोमेटिक रेल फार्म। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तीन आप लोग को यहाँ पर स्टोन ब्लॉक को लेना है और तीन स्टोन ब्लॉक को एक के ऊपर एक ऐसे लगा के आप लोग को सीढ़ी के जैसा बना देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्टिकी पिस्टन को इसके आगे लगा देना है। उसके बाद आप लोग को ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आप लोग को लगाना है स्लाइम बॉक्स जो ग्रीन कलर का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को दो स्लाइम बॉक्स लगाना है। तो हम लोग नीचे भी एक स्लाइम बॉक्स के नीचे यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जर्वर लेना है और ऑब्जर्वर को क्या करना है, आप लोगों को नीचे में ऐसे लगा देना है। और उसके बाद अभी हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा ट्रिगर, ठीक है। तो हम लोग सीढ़ी भी अभी सब चीज़ ले लिए, तो एक एक करके सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर जो पावर रेल है, तो यहाँ पर हम लोग पावर रेल को इसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर लेंगे और इसके ऊपर लगा के यहाँ पर ट्रिगर लगा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर ऑब्जर्वर शायद से उल्टा लग गया है, तो इसको सीधा लगाना पड़ेगा। तो ऊपर फिर से जाना पड़ेगा हम लोग को, इसको तोड़ कर फिर से सीधा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मुंह इस साइड रहना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले फटाफट इसको स्टोन पिक्सल से तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये टूट चुका है और इसको हम लोग अच्छा से यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसका मुँह आगे की दिशा में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पूरा अच्छा तरीके से यहाँ पर, तो इस बार भी गलत लग गया यार, तो फिर से इस बार तोड़ते हैं, पीछे से लगाना पड़ेगा। हाँ, तो इस साइड से ही आप लोग भी लगाइएगा। तो यहाँ पर गाइस ये लग चुका है, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ पर रेल फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पर रेल फार्म साइड से रेडी हो चुका है। तो इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब बनना शुरू हो चुका है, फुल्ली ऑटोमेटिक रेल फार्म, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कलेक्टर भी बनाना है क्योंकि हम लोग सब चीज़ ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सारा यहाँ पर पावर रेल गाइस यहाँ पर जनरेट होते जा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक हम लोग एक डाले थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसके आगे का जितना भी ये रास्ता है, हम लोग का जगह है, सबको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डट लगा देते हैं, फटाफट गाइस हम लोग डट लगा देते हैं। और इसको पूरी तरीके से बराबर करने के बाद यहाँ पर हम लोग खतरा तरीका से यहाँ पर बनाएंगे एक कलेक्टर, जो कि मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर हम लोग माइन कार्ट का यूज़ करेंगे, हॉपर का यूज़ करेंगे, पावर रेल और जितने भी प्रकार का रेल होता है सभी प्रकार का रेल, फिर यहाँ पर हम लोग टॉर्च लाइट ये सब का यूज़ करके यहाँ पर खतरा वाला चीज़ बनाएंगे। और यहाँ पर चेस्ट भी हम लोग लगा देंगे। तो उससे पहले तो मेरा को ये सबको फिल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, क्रीपर फट चुका था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा बराबर कर दिया और यहाँ से कुछ रेल को कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं कि यहीं पर मतलब सब गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेल लगाना शुरू कर देंगे। तो आप लोग का मन जैसे मन वैसे आप लोग पटरी लगा सकते हो कि जैसे कि मतलब माइन कार्ट गोल गोल घूरेगा और उसके बाद ये सब मतलब उसमें हम लोग माइन कार्ट भी तो हॉपर लगा देंगे जिससे कि उस पूरा कलेक्ट होते जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ही अभी मेरे पास रेल है जिससे कि मैं बहुत खतरा चीज़ बनाने वाला हूँ आगे चल के। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल नॉर्मल रेल ही लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको पावर रेल से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि नॉर्मल रेल जल्दी लग जाता है ना और पावर रेल मुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग भी ऐसे कर दीजिएगा। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेल भी लगा दी और यहाँ पर माइन कार्ट भी हम लोग सब चीज़ लगा दी। और यहाँ पर देख सकते हो कि माइन कार्ट कैसे यहाँ पर जाते जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा मतलब यहाँ पर माइन कार्ट भी थॉपर है। तो यहाँ पर हम लोग अभी चेस्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तीन रेल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग बनाएंगे कलेक्टर। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा स्पेस मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे में गड्ढा कर दे रहे कि यहाँ पर मतलब चेस्ट पूरा रहेगा, हॉपर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर चेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो देख लो आप लोग कैसे मतलब बनाना है। उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग फटाफट जाते हैं और हम लोग को जो जो चीज़ चाहिए पर चेस्ट से ले लेते हम लोग। तो हम लोगों ने सब चीज़ ले लिया। अब हम लोग के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को चेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और चेस्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो चेस्ट लगा देंगे और यहाँ पर भी एक और चेस्ट लगा देंगे और उस पर में हम लोग को लगाएंगे हॉपर, ठीक है। अगर हॉपर नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट चेस्ट में माल नहीं घुसेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो हॉपर यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर हॉपर लगा देते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग को बैठ के हॉपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो हॉपर यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा। तो बैठने के लिए आप लोग को शिफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ही हो चुका है। अभी हम लोग को और हॉपर चाहिए, तो फटाक से जाते और यहाँ से और हॉपर लेके आते हैं। तो मेरे पास और भी बहुत सारे हॉपर है, तो मैंने भी बना कर रखा था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टोरेज रूम आप लोग के ऊपर है, आप लोग कितना बड़ा बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फटाफट यहाँ पर हम लोगों ने गड्ढा कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हॉपर लगाएंगे और चेस्ट लगाएंगे जिससे कि क्या होगा कि तो ऊपर वाले चेस्ट से नीचे वाले चेस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हॉपर लगा दिया, उसके बाद हम लोग इस कोने पर भी एक हॉपर लगा देंगे और यहाँ पर अभी हम लोग इसको तोड़ के फटाक से इसके नीचे चेस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दो चेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग चेस्ट लाए हैं बहुत सारा, तो यहाँ पर एक चेस्ट यहाँ पर लगा देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर हो भी चुका है कलेक्ट। और ऊपर से क्या करेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर
चारों तरफ से जोरदार देंगे कि देखने में भी तगड़ा लगे, तो नीचे में भी गड्ढा हो रखी, कोई जोम्बी वोम्बी भीतर स्पेम ना हो जाए। तो यहाँ पर भी एक लगा देते डॉट, ऊपर भी लगा देते, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सील हो चुका है भीतर। उसके बाद अभी हम लोग ऊपर से भी पूरा तरीके से ढक देंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बाहर से दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है, सभी चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसके ऊपर मैं ये डोर लगा दूंगा, ठीक है, वो डोर लगा दूंगा जिससे कि कोई जॉम्बीज भीतर ना जा पाए। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से व्यू कैसा, और मैंने यहाँ पर चार चेस्ट और लगा दिया है, ठीक है, जिससे कि माल बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इस सबको इसमें भरना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग की रेल ऑटोमेटिक निकलते जा रहा है यहाँ पर हम लोग का, और इसमें हॉपर से कलेक्ट हो रहा है माइन कार्ट विथ हॉपर से, और नीचे हम लोग का चेस्ट बॉक्स में जाके यहाँ पर जमा हो जा रहा है। तो वो जमा कैसे हो रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ट्रिगर भी है जिससे कि माइन कार्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीन डोर भी लगाया था, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कैसा स्टोरेज सिस्टम है, और नीचे देख सकते हो इतना जल्दी इतना सारा यहाँ पर हम लोग का रेल कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाले चेस्ट में पहले रेल आ रहा है, उसके बाद ऊपर वाले चेस्ट से नीचे वाले चेस्ट में चला जा रहा है। तो ऐसे ही गाइस ये मतलब काम कर रहा है। और यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारा हॉपर भी है, तो हम लोग सोच रहे और हॉपर लगा दे तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर इस साइड से भी आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर हम लोग सब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत सारा यहाँ पर चेस्ट लगाया जिसमें कि कितना सारा रेल कलेक्ट हो चुका है। तो अब बात करते सब बनाने के लिए क्या लगेगा, तो आप लोग स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा कि क्या क्या लगेगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, अगर चैनल पर नए हो तो गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।